करें सर, इस बार का बिल भर दूं क्या मैं? जो भी बिल है उसे भर दो और इस अड्डे को सील कर दो। इधर भी रेड हो गई, पता ही नहीं चला। बाप रे बाप। एक्सक्यूज मी, रुक जाइए, आप लोग कौन है और यहाँ पर कैसे आए? वो तालाब से राइट लेके गोल चक्कर से लेफ्ट लेके यहाँ पहुँच गए। और बोलूं? फूड सेफ्टी ऑफिसर्स। ये क्या नौटंकी है, हर हफ्ते आप लोग चले आते हैं अपनी खातिर करवाने के लिए। पिछले हफ्ते ही आपकी टीम आई थी, हमसे दूध का सैंपल लेकर गई, उसे सर्टिफाई भी किया है ओके करके, अब फिर से यहाँ आने का क्या मतलब? राम सिंह, ये सर्टिफिकेट एम्स का है, ये पुणे इंस्टीट्यूट का, और ये तुम्हारे अपने डिपार्टमेंट ने इश्यू किए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनसे जाके बात करो ना। उसकी जरूरत नहीं है। प्रभाकर, अरे तुझे तो निकाल दिया था ना, तू लेके आया इनको? हम इसे लाए हैं, चल हट। सुनिए तो, सर सर मुझे अपने बॉस से बात करनी पड़ेगी। अरे ओ जीनियस, इधर जैमर लगे हैं, कॉल वॉल जाएगा नहीं। हेलो सर। हेलो बोलने से फोन नहीं लगेगा। प्रभाकर सर, सर बिना बॉस के परमिशन के आप चेक नहीं कर सकते। आई एम वेरी सॉरी। सक्सेना, जब तक दूध में मिलावट की जांच पूरी नहीं हो जाती, ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। दैट्स माय ऑर्डर। प्रभाकर रेडी हो ना? रेडी सर। बताओ इस दूध में क्या क्या मिला? सर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए दूध में मेलामाइन मिलाया गया है। मेलामाइन क्या है? मेलामाइन एक केमिकल है, जब 1 लीटर दूध में पानी मिलाकर उसे 4 लीटर बनाते हैं तो दूध के अंदर का प्रोटीन लेवल भी घट जाता है। इसी प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये दूध में मेलामाइन मिलाते हैं। नेक्स्ट, दूध को गाढ़ा बनाने के लिए इसमें यूरिया भी मिलाया गया है, वो भी मैक्सिमम लिमिट से डबल मात्रा में है सर। नॉर्मली 100 मिलीलीटर में 70 मिलीग्राम ही अलाउड है, पर इसमें तो 200 mg है सर। यूरिया, यूरिया तो खेतों में भी नहीं डालना चाहिए और तुम दूध में मिला के। और क्या क्या मिला है? सर दूध को चिकना बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा भी यूज किया है। ए, ये क्या दूध में सोडा डाला हुआ है? बेवड़े लोग दूध में दारू पियेंगे? कॉस्टिक सोडा क्या होता है, जवाब दो मुझे। डिटर्जेंट। टॉयलेट और कपड़े धोने में काम आता है वो, और तुम झाग बढ़ाने के लिए उसे दूध में डालते हो, है ना? नेक्स्ट, सर दूध को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मलिन मिलाया गया है। फॉर्मलिन। तुम्हें पता है फॉर्मलिन का सही इस्तेमाल क्या होता है? लाश को सड़ने से बचाने के लिए। इस केमिकल को तो सूखना भी खतरनाक होता है और तुम इसे दूध में मिला रहे हो जिसे मासूम बच्चे पीते हैं। सर सही मायनों में ये दूध नहीं, स्लो पॉइजन है। मरने के बाद भी दूध का इस्तेमाल होता है, पर तुम लोग दूध पिलाकर जीते जी लोगों को मार रहे हो। परिंदो, कम से कम अब तो समझ जाओ ज्योति, मैं चाहता हूं तुम खुद अपनी हिफाजत कर पाओ। हाँ सर, सारे सबूत सही सलामत है सर। ठीक है, 10 मिनट में पहुंचता हूं।
सर। गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने काबिल हो। जनता तो बस पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के बारे में ही जानती है, पर आज तुम्हारी वजह से लोग फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी जाने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। उम्मीद है तुम्हारे पास सबूत होंगे। दिखाता हूँ सर। इसका नाम सूरज चड्डा है, ट्रेडर्स यूनियन का लीडर और टी शॉप ओनर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। जब हमने इसकी दुकान के टी सैंपल उठाकर चेक किए तो इसकी चाय पत्ती में अफीम मिलाया हुआ पाया गया। पर चाय में मिलाने के लिए ओपीएम आया कहां से? दिनेश वर्मा, केरला के सबसे बड़े चाय बागानों का मालिक। आमतौर पर टी प्लांट के 10-12 साल का होने के बाद ही पत्तों में सही ताकत, फ्लेवर और टेस्ट आता है, मगर इन टी प्लांट्स को 2-3 सालों में तैयार समझ लिया जाए और पत्तियों को जितना हो सके जल्द से जल्द तोड़ लिया जाए तो ताकत, फ्लेवर और टेस्ट इनमें से कुछ भी नहीं मिलता। लोगों को इस बिना स्वाद वाली चाय का आदि बनाने के लिए चाय पत्ती में अफीम मिलाया जाता है सर, जिसे पीने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। सबसे बड़ा खतरा अतड़ी का कैंसर। इसका नाम है डैनियल, क्लीन वाटर कंपनी का मालिक। सब जानते हैं रोज 6 लीटर पानी पीने से शरीर की 40,000 बीमारियां ठीक हो सकती हैं, पर जो इंसान इसकी कंपनी का बना क्लीन वाटर पानी पीता है उसे 40,00,000 बीमारियां हो सकती हैं। हर इलाके में ऐसे डायरेक्ट नल से भरी पानी की बोतलें बेची नहीं जाती, वहीं बिकती हैं जहां लोगों का आना जाना ज्यादा होता है। इन बॉटल्स पर लिखा एड्रेस और दूसरी जानकारियां सब झूठी होती है। अरे बाप रे। ये है विकी मल्होत्रा, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जबरदस्त पहुंच रखने वाला बिजनेसमैन, हेल्थ मिनिस्टर का इकलौता और लाडला भाई। मिनिस्टर के रसूख का फायदा उठाने का मौका कभी नहीं चूकता और इसका फेवरेट बिजनेस है कुकिंग ऑयल। सब जानते हैं ज्यादा ऑयल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, पर अगर कोई इसका बनाया तेल इस्तेमाल करता है तो उसकी जिंदगी और छोटी हो जाती है, क्योंकि इसका जो तेल है वो रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं है, रिसाइकल्ड ऑयल है। अगर इस घटिया तेल को कोई 50 बार भी यूज करे तो भी इसका रंग नहीं बदलता, हमेशा एकदम ब्रांड न्यू लगता है। और इसकी वजह यह है कि इसमें टार मिलाया जाता है। इस तेल को एक बार इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, पर पहली बार सिर्फ 5-स्टार होटल में ही होता है और उसके बाद उसका क्या होता है हमने पता करवाया है। वहां से सीधा भजिया बनाने वाले और चाय बनाने वालों की टपरी पे जाता है। सिर्फ कुकिंग ऑयल ही नहीं, इसके और भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म जो करीब 50 एकड़ जमीन पर फैला है। किसी चूजे को बड़ा होने में करीब 3-4 महीने का टाइम लगता है, तभी ये सेहतमंद रह पाते हैं। पर इसकी पोल्ट्री फार्म में पलने वाली मुर्गियों को कोलेस्टिन नाम की एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे सिर्फ 48 दिनों में ही इनका वजन बहुत बढ़ जाता है। इस एबनॉर्मल ग्रोथ से इन्हें खाने वाले कई बीमारियों के शिकार होते हैं, खासकर अगर इन्हें छोटी बच्चियां खा लें तो 7-10 साल की उम्र में ही उनका शरीर टाइम से पहले जवान हो जाता है। उनके पीरियड की साइकिल पर बहुत बुरा असर पड़ता है, फिर धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती है और यूट्रस कैंसर हो जाता है।